गाइस आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी लिखा है ना कि आईएलटीएस रीडिंग को इजी बना देगा ये वीडियो नहीं, ये पूरा कोर्स। सो ये अभी इंट्रोडक्शन है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा नई चीज़ें, बट ये वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट है। सो मेक श्योर कि आप पूरे कोर्स को फॉलो करें, तभी आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। ये एक तो ये डिस्कस करना था, एंड एक सेकंड कि ये मैंने न्यू कोर्स शुरू करा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स। आई होप इसको पूरा कर दोगे इस लाइक एम को, क्योंकि जब वीडियो को लाइक करते हैं एंड शेयर करते हो, मेरे को और मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। सो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है रीडिंग। मेरे को यूट्यूब पे एक साल से ऊपर हो चुका है, एंड सो फार जितने भी क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें रीडिंग नहीं आती, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हमें रीडिंग समझ नहीं आती, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें। सो इसमें मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं रीडिंग में, कौन से पैराग्राफ में मिलते हैं, ठीक है, वोकेबलरी का क्या मीनिंग रहता है, कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है, एंड फिर धीरे धीरे इस पार्ट्स के बाद मैं बाकी पार्ट बनाऊंगा कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, या फिर ट्रू फॉल्स को कैसे सॉल्व करना है, एंड कंपैरिजन करूंगा कि ये फर्स्ट पैसेज के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ये सेकंड की, ये थर्ड, विल गेट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स। सो वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ चैनल के ऊपर बहुत अपलोड करता हूँ। क्यू कार्ड्स, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सब चीज़ें मैंने अपलोड करी हुई हैं। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो रीडिंग के लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, वोकैबुलरी है या अंडरस्टैंडिंग है, ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं समझाते तब भी आपकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं होती, तब आपका स्कोर कम आता है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती तब भी आपका स्कोर डाउन होता है। अंडरस्टैंडिंग तो सबसे मेन चीज़ है कि आप समझ क्या रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्या समझ रहे हो, लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन का आंसर आपको मिल जाता है बट आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, देन उसकी वजह से आपके 5.5 या 5 रहते हैं। बट ये तो हमें पता चल गया कि इन चीज़ों का होना जरूरी है। अभी क्वेश्चन उठता है कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। सो अभी आपके सामने मैं तीन क्वेश्चन रखूँगा, एंड फिर मैं देखता हूँ कि आप कितना जज कर सकते हो कि रीडिंग का लेवल कैसा होता है। सो आपको 3 इमेजेस शो हो रही हैं, ए बी सी। कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ए बी सी में कौन सा पैराग्राफ कौन से पैसेज में है। उसका लेवल आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो ए है वो फर्स्ट पैराग्राफ से है या सेकंड से है या थर्ड से है या थर्ड पैसेज से है, जैसे भी आप समझ सकते हो, या बी कौन से पैसेज में से है, सी कौन से पैसेज में से है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि भाई पहला पैसेज इजी होता है, सेकंड डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, थर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो लेट मी नो, मैं देखता हूँ कि किसका सही जाता है। आपने ऑर्डर में लिखना है कि ये फर्स्ट पैसेज का है, ये सेकेंड का, ये थर्ड का है। सो सबसे पहले हम जो फर्स्ट इमेज है ए, उसको पढ़ते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती है, वोकैबुलरी क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। सो ये अभी पार्ट वन है। इनोवेशन इज़ की टू बिजनेस सर्वाइवल एंड कंपनीज पुट सब्सटेंशियल रिसोर्सेज इन टू इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू डेवलप न्यू आइडियाज। देयर आर नेवर द लेस people working in luxurious state-of-the-art centers designed to stimulate innovation who find that their environment doesn't make them feel at all creative. And there are those who don't have a budget or much space but who innovate successfully. Abhi second image pe aate hain, B pe. During the 6th and 7th centuries, the inhabitants of the modern-day states of Gujarat and Rajasthan in northwestern India developed a method of gaining access to clean fresh groundwater during the dry season for drinking, bathing, watering animals and irrigation. However, the significance of this invention, this step well, goes beyond its utilitarian application. We amaze ko samjhte hain ki 6th and 7th centuries ke duran jo inhabitants the modern day states of Gujarat and Rajasthan, kaun se part ke India mein, नॉर्थ पार्ट में, उन्होंने एक डेवलप किया मेथड क्या करने का, गेनिंग एक्सेस टू क्लीन फ्रेश ग्राउंड वाटर
कब? ड्यूरिंग द सीजन फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वाटरिंग एनिमल्स एंड इरीगेशन। सो इतने बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं इनको समझना केवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे ड्यूरिंग के बाद फुल स्टॉप कहाँ पे जाकर रुका, ठीक है। सो वो एक पूरा सेंटेंस है, कॉमा लगाते हैं काफ़ी न्यूज़पेपर एंड रीडिंग के पैसेज में, जिससे आपको थोड़ी वो डिफ़िकल्ट लगती है। इसी इमेज है, उसमें क्या करा स्टार्टिंग उन्होंने, वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग नेचुरल इवेंट्स ऑफ द ईयर इन मैनी एरियाज थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका इज़ द टर्निंग ऑफ द लीव्स इन द फॉल। मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस इन्होंने इतना बड़ा बनाया हुआ है ना, वो सिंपल भी कह सकते थे, टर्निंग ऑफ द लीव्स इन द फॉल इज़ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग नेचुरल इवेंट, बट इन्होंने थोड़ा उसको कम्प्लेक्स कैसे क्रिएट करा मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग देखो, वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग नेचुरल इवेंट्स, सो जब भी वन ऑफ द लगता है तो उसके साथ सिंगुलर लगता है, इज या आर, बट इज एंड आर तो हमें दिख ही नहीं रहा। इस कहाँ पे लगा है? नॉर्थ अमेरिका के बाद में लगा है। कितने टाइम बाद इन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा, कितने गैप बाद यूज़ करा। इन्होंने बताया कि जो वन ऑफ द कैप्टिवेटिंग नेचुरल इवेंट है ईयर का, कौन से एरियाज में इज, वो इज किससे लिंक है? वन ऑफ द से लिंक है। वैसे तो इवेंट्स के साथ आर लगता है, बट हमने कहा वन ऑफ द, एक चीज़ की बात हो रही है, सो हमेशा वन ऑफ द के साथ इज लगेगा, ये बात याद रख लो। सो वो इसका उन्होंने यूज़ कहाँ करा? बिल्कुल लास्ट में। देन फिर उन्होंने बताया कि कौन सा इवेंट है, उन्होंने बोला द टर्निंग ऑफ द लीव्स इन द फॉल। ऐसे ऐसे जो जितने भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, वन ऑफ द आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है, एंड एक आपको क्लॉज मिलेंगी, लाइक आपने पहले भी पढ़ा है जो फर्स्ट इमेज में है, हु, ठीक है, या फिर वट, जो आपको आगे आगे दिखेगा। The colors are magnificent, but the question of exactly, यहाँ पे आया question दोबारा, why some trees turn yellow or orange and others red or purple is something which has, again, which, why, that, इनका बहुत ही ज़्यादा use होता है, which has long puzzled scientists, what does that mean, कि question ये है कि कुछ turn क्यों करते हैं yellow or orange and कुछ red or purple क्यों, is something, ये एक ऐसा चीज़ है जिसने साइंटिस्ट्स को पजल कर रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी इमेज कौन से पैराग्राफ से है। बी इमेज है वो फर्स्ट पैराग्राफ से है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फिर हम कह दें क्लॉज ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं। सो याद उन्होंने हु, डैट, दे, ठीक है, वर्ड ऐसा नहीं यूज़ करा, बहुत ईजी था वो समझने में। एंड यू सी है वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, उसमें सिर्फ एक सेंटेंस यूज़ हुआ डिफरेंट, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, इतना तो हम अंडरस्टैंड कर ही पाते हैं भाई, आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो सेकंड पैराग्राफ से है। बट ये इनोवेशन वाला है जिसमें बार बार हु यूज़ हुआ है एंड देयर आर नेवर द लेस, वहाँ पे आंसर होते हैं हमेशा, वो थर्ड पैराग्राफ से। सो हमें क्या क्लियर है कि अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो कभी भी फर्स्ट पैसेज एंड सेकेंड पैसेज में अपनी जो मार्क्स हैं वो पूरे रखो। थर्ड अगर डिफ़िकल्ट लगता है एटलीस्ट उसमें से आधे क्वेश्चन सही जाने चाहिए, एंड अगर आपके फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में पूरे मार्क्स हैं, थर्ड में से आधे भी सही है ना, तो भी आप स्कोर कर सकते हो रीडिंग में। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस रहता है, कैसे चीज़ें कम्प्लेक्स बनती हैं, ठीक है, थर्ड में कितने बार हु यूज़ हुआ, एंड जो फर्स्ट पैसेज की लाइन है ड्यूरिंग द सिक्स्थ एंड सेवन्थ, वहाँ पे लास्ट पे एक वोकैबुलरी वर्ड है, उसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है ना, हाउ एवर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन्वेंशन द स्टेप बेल गोज बियॉन्ड इट्स यूटिलिटेरियन एप्लीकेशन, मतलब यूजफुल एप्लीकेशन। जब भी आपको ऐसे वर्ड मिले उसको वही नोटबुक पे लिखो, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, यू कैन यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड इसी से ही क्या पता आपको कोई क्वेश्चन बन जाए, ट्रू फॉल्स लगा लो कोई भी, कि यूज़फुल एप्लीकेशन क्या सीन था उसमें, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यूज़फुल कौन सी एप्लीकेशन थी जब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा। ऐसे भी सिनोनिम यूज़ हो सकते हैं। सो बेसिकली इस पार्ट वन में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डिफरेंस क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो क्लॉज हैं या फिर कम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं वो सिर्फ थर्ड पैसेज में मिलेंगे, आपको फर्स्ट में भी मिल सकते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें टॉकिंग अबाउट द लेवल, जो थर्ड का है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट पार्ट टू आएगा, आप बताओ मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ। मैं तीनों के लेवल आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं फर्स्ट
पैसेज के सेकंड के सेम क्वेश्चन की टाइप की बात कर रहा हूँ। अगर आप ट्रू फॉल्स बोल रहे हो तो पहले फर्स्ट के करेंगे, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के करेंगे, देन मैं आपको टीच करूँगा कि ऐसे ऐसे इसका डिफरेंस है। ऐसे ही हम एमसीक्यू करेंगे, ऐसे ही हम फिलअप्स करेंगे, हमारा एक पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा रीडिंग का। एंड इसके बाद भी अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती ना, मैंने अपनी तरफ से भाई पूरा ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी आपके हाथ में है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझो, ध्यान दो, तभी जाकर रीडिंग इंप्रूव होगी। अभी के लिए रीडिंग की क्या टिप्स हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो। वो कहाँ मिलेंगी, न्यूज़पेपर में मिलेंगी, आर्टिकल्स में मिलेंगी, विकीपीडिया पे जाओगे, गूगल पे, वहाँ पे मिलेंगी, एंड मैगजीन्स में मिलेंगी। सो जब आपको ये आने लगे ना, तो फिर 7 के आप 9 तक स्कोर कर सकते हो। ये एक फैक्ट है, क्योंकि जो मेन रीज़न होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या समझ रहे हो, बोला क्या है, समझ क्या रहे हो, आंसर क्या लगा रहे हो, यही सिर्फ रीडिंग होता है। सो मैंने पहली बार आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करी कि कैसे वो डिफरेंस लगाती है। देन मैं ये भी डिस्कस करूँगा, मैंने तो अभी सिर्फ आपको ये बताया कि क्लॉज यूज़ है, कि इनका मीनिंग कैसे, इनको खुद आपने यूज़ कैसे करना है अगर राइटिंग में यूज़ करना। आपको इस कोर्स की इंट्रोडक्शन अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी वीडियोज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी, ये वीडियो से आपको सिर्फ आइडिया मिला है। बाकी वीडियोस मैं इसको जब ऐड करूँगा ना, सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में क्लॉज का मीनिंग कैसे पता चलता है। ये जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, बट अभी आपको पता चल गया कि कौन सी इमेज कौन से पैराग्राफ से है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।